नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में सिंपली हम बात करने वाले हैं जो गेहूं, चावल या फिर दाल होती है वो लंबे समय तक हम बड़ी क्वांटिटी में जब स्टोर करके रखते हैं तो उसको कीड़े लग जाते हैं, जल्दी ही कीड़े लग जाते हैं। 1 महीना 2 महीने हो गए कि उसको कीड़े लगते हैं। तो सिंपल नेचुरल चीज़ बताऊँगा जो आपको लंबे यानी 2-3 साल तक जो है वो आपके गेहूँ, चावल, दाल जो है वो ख़राब नहीं होंगे। देखिए, सिंपली मराठी में एक सीड आता है जिसको बीबा बोलते हैं, हिंदी में इसको भिलावा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मार्किंग नट्स बोलते हैं और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है सेमीकार्पस एनाकार्डियम, यानी जिसको हम भिलावा या फिर बीबा बोलते हैं मराठी में। उस सीड को जो है मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेजोन की दे दूंगा, उसको आप या फिर किराना दुकान में भी मिल जाएगा, वहाँ से परचेस करके लाइए। और जो गेहूँ है या फिर चावल है या फिर दाल है तो जहाँ पे आप स्टोर करके रखते हैं उसके बॉटम साइड में, मिड में और जो टॉप में है अच्छी तरीके से उसको जो है वो डाल दीजिए। आप देखोगे ये 100% वाला बहुत 100 साल पुराना जो है वो ये नुस्खा है। बहुत सारे पुराने लोग आज भी इसको यूज़ करते हैं। हम जो गोलियां वगैरह जो केमिकल वाला यूज़ करते हैं ना वो कोई असर नहीं करता आज के टाइम में। सिर्फ आप ये बीबा यानी भिलावा सीड जो है वो आपके जो राइस है या फिर चावल है, गेहूं है, दाल, इसमें डाल के दीजिए। मैं 100% आपको बोलता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा जो है आप अमेजिंग हो जाओगे यार कि ये कैसे हो गया कि इसको जो है वो कीड़े नहीं लग रहे हैं। तो बिल्कुल 100% किया हुआ उपाय है, आप ज़रूर करके देखना। जो बीबा है यानी भिलावा सीड है उसको यूज़ करना ताकि आपके ग्रेन जो है वो लंबे समय तक अच्छी तरीके से स्टोर रख सके, रह सके, यानी उनको कोई कीड़ वगैरह जो है वो नहीं लगेगी। उसकी लिंक जो है वो भिलावा सीड की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। वीडियो हेल्पफुल रहा एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।